शहर उत्तर खड़े थे हम सब यही यार। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक तो भैया से ठीक। मैं आपका अपना भाई मनिंदर बाटा नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अभी हम सेब लोड करके निकले हैं। ये जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ना, जिस रास्ते से हम आए थे इधर से लोड करने, उस रास्ते से हम वापस नहीं गए। इधर से सफ़र तो ज़्यादा है, 20 किलोमीटर, लेकिन रास्ता गुजारा करता है। ये रोड जा रहा है खानूजई की तरफ। खानूजई हम जाएंगे, खानूजई से पहले 1 किलोमीटर ये मेन रोड पे चढ़ेगा, ये सिंगल रोड। वहाँ से हम फिर आएंगे किला सैफुल्ला साइड पर। ये रास्ता ठीक था, मैंने इसलिए इस रास्ते से जाने का फ़ैसला किया कि यार चलो रास्ता तो ठीक है ना। जिस रास्ते से हम आए थे लोड करने के लिए, वो रास्ता थोड़ा गलत था, लेकिन शॉर्ट था। 2-3 किलोमीटर के सफ़र के बाद मेन रोड पे चढ़ना था, शॉर्ट था, 20 किलोमीटर कम था, लेकिन वो रास्ता लोड गाड़ी के लिए गलत था। जी नाज़रीन, गाड़ी लोड करके हम आ चुके हैं मेन रोड के ऊपर। ये जगह है मुस्लिम बाग से थोड़ा पीछे, कान मित्र दही और मुस्लिम बाग के दरमियान हम आ चुके हैं गाड़ी लोड करके। यहाँ पे को थोड़ा रस्से वस्से ढीले हो चुके थे हमारे, वो टाइट कर रहे हैं, अभी टाइट किए हैं, तो इंशाल्लाह निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। फैसलाबाद का हमारा माल है, तो जो वाला रास्ता 2 दिन के लिए बंद किया हुआ था उन्होंने, अभी तो वो भी खुल गया है। अभी मुझे मैसेज आया कि खुल गया रास्ता, तो इंशाल्लाह किला सैफुल्ला पहुँच कर उधर से खाना खाएंगे। खाना खा के उसके बाद निकलेंगे फिर हम। ये एक छोटा सा होटल है, यहाँ पे हमने ब्रेक लगाई है, एक और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं काफ़ी। तो पेटी जो हमने लोड की है ना, वो व्यापारी कहता था कि मेरी 604 पेटी है, लेकिन हमारी गिनती के मुताबिक है 584 पेटी। तो देखते हैं कौन सच्चा निकलता है और कौन झूठा निकलता है। उसको मेरे ख्याल में वो भूल गया है गिनती करने में ना, वो भूल गया व्यापारी। कासिम तो अभी भी रस्से पे लगा हुआ है, को टाइट कर रहा है रस्सा। यार इधर जो है ना मंदा बहुत है, यानी हमारी तो किस्मत थी गाड़ी लोड होगी, लेकिन जो नया आने वाला है ना, अभी 10 दिन और 10 दिन थोड़ा मंदा रहेगा यहाँ पे। उसके बाद चिट्टा कोलू यानी शीन कोलू चालू होएगा, तो फिर जो है ना इंशाल्लाह काम सही हो जाएगा। ये मेन रोड है जो किला सैफुल्ला से क्वेटा को जा रहा है ना, ये मेन रोड है। इस मेन रोड के ऊपर ये होटल है छोटा सा, ये होटल है छोटा सा। कसम बांध रहा है वो छोटी देवे रस्सी जड़ी बोल रही आ, अभी ये टाइट हो गए, बेफिक्री हो गई। यार एक परेशानी और है, वो आपको मैं बताता हूँ परेशानी क्या है हमको। अभी मैं नीचे उतरा हूँ ना, तो देखा है तो हमारे अगले व्हील के जो 2 काबले हैं ना, वो मेरे ख्याल में टूट चुके हैं 2 काबले। ये देखें, ये भी हिल रहा है काबला, ये काबला हिल रहा है, और ये भी, ये तो टूट चुका है बिल्कुल। चेक तो हमने किए थे लेकिन उस टाइम नहीं टूटे हुए थे। ये 2 काबले जो है ना, एक ये और एक ये 2 काबले टूट चुके हैं। देखेंगे अगर किला सैफुल्ला में कोई मिस्त्री मिल गया तो उससे ये डलवा लेंगे, अगर नहीं मिला तो फिर आराम आराम से जाएंगे इंशाल्लाह जोब से ये किसी और जगह से डलवा लेंगे। काबले नहीं है, नहीं तो खुद भी मैं डाल लेता। नाज़रीन अभी हम निकल रहे हैं, जाते हैं आराम आराम से जाएंगे, क्योंकि 2 काबले हैं अगले व्हील के, वैसे भी 6 बोल्ट हैं, तो 6 में से 2 तो टूटे हुए हैं, 4 काबले रह गए हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मार्किट बंद होने से पहले, मार्किट बंद होने से पहले इंशाल्लाह हम पहुँच जाएँगे
तो मेरे ख्याल में मिस्त्री हमें मिल जाएगा। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इधर से ही डलवा के जाएं, क्योंकि पहाड़ का रास्ता है तो रास्ते में जो परेशानी होती है ना वो ठीक नहीं होती। तो अभी आगे आएगा मुस्लिम बाग, मुस्लिम बाग के बाद आएगा किला सैफुल्ला। मुस्लिम बाग में भी हो सकता है कोई मिस्त्री हो, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ से कोई चीज़ मिल जाए। जी दोस्तों, सारी रात सफ़र करने के बाद अभी हम आ चुके हैं। ये रोड है बखर से जंग को जा रहा है। इस जगह का नाम, जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये हैदराबाद यानी थल हैदराबाद से पहले एक पेट्रोल पंप है। यार रास्ते में मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई, एक तो मेरे मोबाइल की बैटरी लो थी और चार्जर भी ख़राब था, इसलिए रास्ते में वीडियो नहीं बना सका। तो इधर हम आके रुके हैं, चाय पियेंगे। थोड़ी थोड़ी थकन महसूस हो रही थी, असर का टाइम है, मैंने कहा चलो यार चाय पी लेते हैं। जी नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग गई यार चैनल सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को लाइक करना है। इंशाल्लाह इसी तरह नई नई वीडियो लेके हाजिर होता रहूँगा। अब हम करते हैं सफ़र, क्योंकि हमने फैसलाबाद जाना है। तो अपने भाई को अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। खड़े थे हम ना भैया।